लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। भाभी जी, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैं एक रात एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। उठते जागते सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ कि आपके साथ आपकी गोरी बाहों में सिर्फ एक रात बिताने का मुझे मौका मिल जाए। समझ रहे हो? विशाल जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे साथ इस तरह की बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं भाभी जी, ये काम मैं फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कीमत देने को तैयार हूँ। बहुत तेज हो रहा है। आपका दिमाग ठिकाने पे है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? अपने दोस्त की बीवी के साथ इस तरह से बात करने में आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है, इसलिए 6 महीना दिन रात मेहनत करके मैंने ये 1 लाख रुपया जमा किया है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये 1 लाख रुपए लेकर आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए प्लीज। विशाल जी, आपके दिमाग में इतनी गंदगी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपए के लिए मैं... 1 लाख रुपए कम है? ये लो 2 लाख। 2 लाख रुपए भाभी जी, 2 लाख रुपया बहुत होता है। मैंने एक बार किताब में पढ़ा था, एक साथ इतने सारे पैसे मिलने से, ऐसा एक काम करने से कोई बुराई नहीं है। ये हरी हरी नोट, ये 2 लाख का बंडल, भाभी जी ये बहुत सारे पैसे हैं, इसे आप बहुत सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो। आप नई साड़ी बेटा मन में लड्डू फूटा खरीद सकते हो। ये करारी करारी नोट लेकर आप मेरी बेकरारी दूर कर सकते हो। प्लीज ले लीजिए, चू कर देखिए, ये असली नोट है, ले लीजिए भाभी जी, ले लीजिए। मुझे पता था आप बहुत समझदार है, मेरा सपना पूरा करोगी ना? अभी मजा आएगा ना भिड़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो स्वीट हार्ट, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सुनो, मैंने विशाल के हाथ से कंपनी के 2 लाख रुपए भिजवाए थे, संभाल के रखना, बॉस को वापस करने हैं। वो पैसे आपकी कंपनी के थे? माँ चूत गई। हराम साले को सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी?